दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे सभी डॉक्यूमेंट में हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर हमारा नंबर हमारे डॉक्यूमेंट में लिंक होता है तो कभी भी हम अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है या खराब हो जाता है फिर भी हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से पा सकते हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों परिवहन सेवा ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब हम अपने DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस में बिना RTO जाए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों पर पुराना DL होता है पेपर वाला। अगर आपके पास पुराने वाला DL है तो भी आप अपने DL में मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे और अपने DL को डिजिटली डाउनलोड कर पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप परिवहन सेवा की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस वाला ऑप्शन मिलेगा। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेट का सेक्शन मिलेगा। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो उस स्टेट को सिंपली से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपको ये बताया जाता है कि कौन कौन सी सर्विस आपकी स्टेट में ऑनलाइन है, यानी जिनके लिए आपको RTO विजिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी स्टेट में आप देख सकते हैं अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना है तो बिना RTO जाए बना सकते हैं, और मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है तो वो भी आप बिना RTO जाए नए प्रोसेस से आधार कार्ड के साथ कर सकते हैं। तो नंबर अपडेट करने के लिए सिंपली से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका आधार नंबर मांगा जाता है, यानी मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपके आधार कार्ड में पहले से कोई मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। यानी सिंपल सा फंडा है, DL में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। हमारे आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर अपडेट है तो यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। हमने OTP को फिल किया है, टर्म को एक्सेप्ट करते हैं, ऑथेंटिकेट पर क्लिक करते हैं। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी, आपका फोटो आ जाएगा और आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सभी आपके सामने आ जाएगी। अब आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है, आप लर्निंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं या कंडक्टर लाइसेंस में मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं। आप जिस भी तरह की लाइसेंस में मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। ज्यादातर DL में मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं जो हमारा कार और बाइक का होता है। अब नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपसे दो चीजें मांगी जाती है, पहले तो आपको इश्यू डेट डालनी है और दूसरा डालना आपको DL का नंबर। ये दोनों चीज आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे मिल जाएगी, तो वहां से दोनों चीजों को आप फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर दोनों चीजों को फिल कर लिया है। अब बहुत से लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर फंस सकते हैं वे कि DL नंबर जो हमारा पेपर वाला DL बना हुआ है उसमें DL नंबर इतना बड़ा नहीं है तो हमको क्या करना है, हमारा नंबर कैसे अपडेट होगा। तो उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है कि जिनका पेपर वाला DL है उनको ये पूरा नंबर कैसे मिलेगा। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर पहले आपको वो वीडियो देखनी है फिर आपको ये प्रोसेस करना है। तो हमने डिटेल्स को डाला है, अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम, DL का नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और जो मोबाइल नंबर पहले से आपके DL में अपडेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके DL में पहले से कोई नंबर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आएगा, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिंपली से प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि जो भी आप नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं वो नया नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, दोबारा से वो नया नंबर यहाँ पर डालेंगे, और ये नंबर आप क्यों चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इसमें पहले से नंबर डाला है। तो यहाँ पर आप कोई भी रीजन डाल सकते हैं क्यों आप नंबर चेंज करना चाहते हैं। हम यहाँ पर डाल सकते हैं ओल्ड नंबर ब्लॉक या बंद, जो भी आपको डालना है, और उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी नया नंबर यहाँ पर आपने दिया है उसी पर एक OTP जाएगा, OTP को यहाँ पर आप फिलअप कर लेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हमारा OTP सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद दोबारा से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोबारा से प्रोसीड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में ये मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है जो यहाँ पर आगे लिखा है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही कहीं RTO जाना, ना ही कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम थी, आपको RTO में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट होता था। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये नॉलेज अपने पास नहीं रखनी है, उन सभी लोगों को ये शेयर करनी है जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है
और वो परेशान है कि ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे डाउनलोड करे या उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो चुका है, तो वो आसानी से अपने डीएल में मोबाइल नंबर को अपडेट करके डिजिटली अपने डीएल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।